हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ एट्थ क्लास, टुडे वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश सेकंड चैप्टर क्लाइमेट चेंज एंड द रीन्यूएबल एनर्जी। बेटा इसमें स्टार्टिंग में मैंने कुछ पिक्स लगाई हुई हैं। फर्स्ट पिक्स आपकी जो है वो सोलर पैनल की है, देन वाइंड फॉर्म्स हैं, देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड फोर्थ एंड लास्ट पिक डैम्स की है। ये पिक्स मैंने स्क्रीन पे इसलिए लगाई हैं कि आपको इन पिक्स से कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका क्लाइमेट चेंज एंड द रीन्यूएबल एनर्जी, इसको समझने में इन पिक्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर के बारे में, चैप्टर के नेम पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एंड द रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो कभी भी फिनिश ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। Now we start our chapter. The transport of people and freight accounts for at least 14% of global greenhouse gas emission. जैसे कि बेटा आपको पता है कि ग्रीन हाउस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो पीपल्स का ट्रांसपोर्ट है और जो फ्राइट है, जो कच्चा माल, इस ये मेन कारण 14% मेन कारण ये हैं जिनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, विसर्जन होता है। दिस फिगर इज इंक्रीजिंग स्पेशली इन मैनी डेवलपिंग नेशंस। और ज़्यादातर ये इंक्रीज कहाँ होती हैं, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होता है और रॉ मटेरियल भी ज़्यादा होता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टेक्नोलॉजी में हेल्प थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मोर एफिशिएंट व्हीकल्स पावर्ड बाय लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। अब जैसे से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो हमारी ऐसे व्हीकल्स बनाने में हेल्प कर रही है जो कि लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल्स, मतलब कि कम प्रदूषण करेंगे। और जब प्रदूषण कम होगा तो जो हमारी ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे सीएनजी ऑटोज होते हैं, आपने देखा होगा उसमें फ्यूल पॉल्यूटिंग बहुत कम होती है। बट मोस्ट ऑफ द मोर एक्साइटिंग प्रपोजल्स आर स्टिल इन द डिज़ाइन स्टेज। पर इसमें से जो ज़्यादातर एक्साइटिंग प्रपोजल्स हैं वो अभी जो है डिज़ाइन स्टेज पे हैं। सम में नॉट वर्क इन द प्रैक्टिस, इसलिए वो अभी प्रैक्टिस में नहीं आ पाए हैं। सो इन द शॉर्ट टर्म द बेस्ट वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इज टू चेंज द वे वी ट्रेवल एंड नॉट टू ट्रेवल सो मच। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है ग्रीन हाउस रिड्यूस का कि हम अपने ट्रांसपोर्ट का जो वे है उसको थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब ट्रैवल करें लेकिन कम से कम, ट्रैवल सो मच, जितना ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है उस ट्रैवल को हम कम करें, लिमिट में करें, ताकि पॉल्यूशन कम हो और ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे अभी ऊपर मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स अक्षय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा, ऐसी पावर जो कभी फिनिश ना हो, कभी ख़त्म ना हो। पीपल हैव बीन हार्नेशिंग द एनर्जी ऑफ वाइंड एंड फ्लोइंग वाटर टू पावर विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स फॉर सेंचुरीज। जैसे कि बेटा आपने SST वगैरह में भी पढ़ा होगा, या आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा
कि पीपल जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो नई नई टेक्निक्स इजाद करता रहता है, नए नए डेवलपमेंट्स करता रहता है। तो इन दिस सीक्वेंस पीपल ने विंड की पावर को एंड वाटर पावर को कंट्रोल करके, हार्नेशिंग मीन्स होता है कंट्रोल एंड यूज़, यानी उसको कंट्रोल करके वो विंड मिल्स एंड वाटर मिल्स में मैनी सेंचुरीज से इसे यूज़ कर रहा है। दिस टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ बीन अपडेटेड टू ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स, यानी अब ये टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, बिजली बनाने का काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा रही है आगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है हमारे लिए। सोलर एनर्जी एंड इवन वॉल्केनिक हीट कैन आल्सो बी टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं जिसमें हम सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, इवन वॉल्केनिक, वॉल्केनिक मीन्स होता है ज्वालामुखी, यानी उसकी हीट से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में जो है हमको हेल्प मिल सकती है। सच एनर्जी सोर्सेस आर डिस्क्राइब्स एज रिन्यूएबल बिकॉज दे नेवर रन आउट। ये एनर्जी सोर्सेस जिनका भी जो ऊपर डिस्क्राइब किए गए हैं, इसे अब क्वेश्चन ये आता है कि रिन्यूएबल क्यों कहा गया है। रिन्यूएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कभी भी फिनिश नहीं होते हैं, अक्षय होते हैं, इनका क्षय नहीं होता है। दे मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड ऑल आवर एनर्जी नीड्स। हाँ, ये हो सकता है कि ये हमारी सारी एनर्जी नीड्स को पूरा ना कर पाएँ, फुलफिल ना कर पाएँ, बट मोस्ट ऑफ देम डू नॉट रिलीज एनी ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। लेकिन इसका कोई बैड इफेक्ट भी नहीं है जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन करे या जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं। इस तरीके से इसलिए हम इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज वाइंड फार्म्स। वाइंड फार्म्स, ए वाइंड फार्म और वाइंड पार्क आल्सो कॉल्ड अ वाइंड पावर स्टेशन। जैसे कि आपको पता है कि एक जो विंड फार्म होता है या विंड पार्क होता है उसे हम विंड पावर स्टेशन भी कहते हैं, यानी पवन चक्की या पवन संयंत्र, मतलब वैसे नॉर्मली इसके लिए पार्टिकुलर वर्ड है पवन संयंत्र। और वाइन पावर प्लांट्स इज ग्रुप ऑफ वाइन टर्बाइन्स इन द सेम लोकेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा विंड पावर स्टेशन होता है वहाँ ग्रुप होता है वाइन टर्बाइन्स का, जो सेम लोकेशंस पर होती हैं और जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। वाइंड इज ऑलरेडी बींग हार्नेस्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाई विंड फार्म्स ऑफ हाईटेक वाइंड टर्बाइन्स। वाइंड जो है ऑलरेडी बींग हार्नेस्ड, मतलब उसको हवा को भी कंट्रोल करके लार्ज स्केल पर यूज़ किया जा रहा है हाईटेक वाइंड टर्बाइन्स बनाने के लिए। मैनी आर साइटेड ऑन लैंड ऑफन इन हिली स्केनिक रीजन वेयर पीपल रिजेंट देयर इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप। ये जो विंड फॉर्म्स होते हैं ये ज़्यादातर हिली और स्केनिक रीजन्स में होते हैं। ऑफ शेयर या अपतटीय क्षेत्रों में विंड फॉर्म्स सच एज दिस वन नियर कोपेनहेगन डेनमार्क एक्सपीरियंस इज स्ट्रॉन्गर। जो विंड फॉर्म है वो जो सबसे नज़दीक है एक, वो कॉपेनहेगन और डेनमार्क में है, जो कि एक्सपीरियंस इज स्ट्रॉन्गर, यानी कि हर तरीके से
डेवलप्ड है और हाई टेक्निक से बना हुआ है. मोर कंसिडरेट पॉइंट्स आर दे कैन बी बिल्ड वेल अवे फ्रॉम लैंड्स. यहाँ जो वाइंड्स हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि प्रॉपर वे में, मतलब जितना उनका वेग हमको चाहिए, जितनी उतनी जितनी हमको उनकी पावर की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जितना हमको उसका मेज़रमेंट चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो हमें वहाँ मिल जाती है. ऑल दो देयर आर कंसर्न अबाउट थ्री बर्ड्स बींग किल्ड बाई द ह्यूज रोटर्स. यद्यपि यहाँ सारी चीज़ें ठीक हैं डेवलपमेंट की दृष्टि से हर तरीके से, बट जो एक इसका साइड बैड साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि जो इन फैंस के रोटर्स होते हैं उनकी वजह से जो सी बर्ड्स हैं वो कट जाती हैं और मर जाती हैं. द मेन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इज़ दैट विंड टर्बाइन्स वर्क ओनली व्हेन द विंड ब्लोज. और सबसे मेन जो प्रॉब्लम है विंड टर्बाइन्स की वो ये है कि वो तभी वर्क करती हैं जबकि हवा बहती है या हवा चलती है. क्योंकि अब विंड टर्बाइन है तो जब हवा ही नहीं होगी तो टर्बाइन्स मूव कैसे करेंगे, और टर्बाइन्स को मूव करने के लिए एयर का होना, हवा का होना ज़रूरी है. सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोलर पावर प्लांट्स. जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, सोलर पावर प्लांट्स मतलब कि सूर्य ऊर्जा संयंत्र. मोस्ट सोलर पावर सिस्टम आर स्मॉल स्केल बट अ फ्यू बिग पावर प्लांट्स हैव बीन बिल्ट इन रिलायबली सनी रीजन्स सच एज कैलिफोर्निया एंड स्पेन. वैसे तो जो सोलर पावर सिस्टम है वो बहुत ही लघु पैमाने पर बने हुए हैं, स्मॉल स्केल, बट फ्यू, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बड़े प्लांट्स भी हैं जो कि सनी, मतलब कि जहाँ धूप ज़्यादा होती है ऐसे रीजन्स में हैं, जैसे कैलिफोर्निया एंड स्पेन. दे यूज मिरर्स टू फोकस द सन्स रेज ऑन अ टावर दैट कलेक्ट्स द हीट एंड यूजेस इट टू रन अ टर्बाइन एंड जनरेटर. वो क्या करते हैं, मिरर्स का यूज़ करते हैं सन रेज को फोकस करने के लिए टावर के ऊपर, जो सन की हीट को कलेक्ट करती है और टर्बाइन को रन करने में और जनरेट करने में हेल्प करती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी पानी से बिजली बनाना, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, जिससे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रो पावर. जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि बहते हुए पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाना, डेवलप करना. हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज़ का उल्लेख होता है कि कैसे हम बहते हुए पानी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं, रूपांतरित करते हैं. जैसे आपने देखा होगा लाइट्स या इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए उसकी, मतलब बिना लाइट के क्या आप लाइफ की इमेजिनेशन कर सकते हो, मतलब आपके घर से लेके बाहर तक नॉर्मली मोस्ट ऑफ थिंग्स ऐसी हैं जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ नहीं हो सकती. नाउ मॉडर्न हाइड्रो प्लांट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टर्बाइन्स एंड जनरेटर्स वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज क्रिएटेड व्हेन मूविंग वाटर स्पिन रोटेट्स ऑन अ टर्बाइन. जो मॉडर्न हाइड्रो प्लांट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं टर्बाइन और जनरेटर को यूज़ करके, जबकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्रिएट करते हैं कैसे, मूविंग वाटर स्पिन पर, जब वो रोटर्स पर, मतलब मूविंग वाटर स्पिन रोटर्स पर, जब टर्बाइन पर गिरता है पानी तो इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट होती है. दिस टर्बाइन इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर. ये जो टर्बाइन है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जनरेटर से कनेक्ट होता है, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द टर्बाइन स्पिन, और जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है जब वो टर्बाइन स्पिन होता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, योर सेकंड लेसन हैज़ फिनिश्ड. आई थिंक दिस इज अ सम वेरी तो नहीं कह सकते बट सम टफ लेसन फॉर यू, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली. सो डू योर एक्सरसाइज योर सेल्फ एंड बी केयरफुल ऑन योर स्टडीज. थैंक यू.